हेलो गाइस, वेलकम टू द गेम एक्स किलर। गाइस स्वागत है आपका फिर से एक और न्यू वीडियो। गाइस आज है थर्सडे और आज आ चुका है हमारा वीक 6। तो गाइस वीक 6 में बहुत सारे न्यू मिशन आए हैं, तो उन मिशन को आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, तो ये सारे मिशन को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, साथ ही कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसकी वजह से आप बहुत ही आसानी से अपने मिशन को कंप्लीट करके अपनी जो आरपी है उसको अप कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। तो गाइस इसके लिए देखते रहिए स्टूडेंट, तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम जाते हैं हमारे मिशन में, और मिशन में जाने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कि जैसे डेली मिशन, तो हर बार की जैसे ही फिर से कहता हूँ आपको कि आपके अगर जो डेली मिशन है वो इनकम्प्लीट है तो इनको इनकम्प्लीट रहने दीजिए। अगर आपका जो वीक आ जाता है उसके बाद जो लेफ्ट साइड को आपको जो बक्सा दिख रहा है, मतलब इसमें जो 2 RP मिलती है इस बॉक्स में से, तो उसको आपको कंप्लीट करने में बड़ी आसानी होगी। तो चलते हैं हमारे मिशन की ओर। तो अभी जो है 10 मैंने अभी कलेक्ट नहीं किया है कुछ भी RP। तो जाते हैं मिशन पर। आप देख सकते हैं जो हमारा पहला मिशन ही है वो रिच डायमंड टायर और अबाउ। तो गाइस इसके लिए आपको करना है आपका जो टायर है, मतलब आपकी जो लीग होती है उसको डायमंड पे लाना है। गाइस अगर आप लोगों को पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनकी बात कर रहा हूँ। तो गाइस जैसे आपका जो टायर रहता है तो उसको आपको डायमंड पे आना है, और डायमंड पे आने के बाद आपको जो मिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो डायमंड कंप्लीट होने के बाद हमारा नेक्स्ट मिशन पे आते हैं। तो गाइस नेक्स्ट मिशन है हमारा लैंड ऑन टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्वायरी। तो गाइस ये वही मिशन है जैसे हमारा पिछले वीक में था कि हमें QBZ से बंदे मारने हैं क्वारी में। तो इस बार हमको कोई बंदे नहीं मारने, हमको जाना है क्वारी में। क्वारी में जाने के बाद हमें टॉप बिल्डिंग पे लैंड करना है। लैंड करने के बाद हमें जो है नीचे जंप कर देना है, फिर आप कैसे भी करके मर जाइए, आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वारी दोनों मैप में एरेंगल और सैनोक, तो आपको ये सैनोक मैप में ही जाना है। सैनोक मैप में ही ये क्वारी है, उसमें आपको लैंड करना है। यहाँ पे लिखा है, क्लियरली मेंशन है कि सैनोक, तो पहले नहीं लिखा करते थे, अब समझदार हो गए हैं पबजी वाले। चलो नेक्स्ट मिशन की तरफ आते हैं। तो हमारा है किल 3 enemies विद ग्रेनेड। तो ये मिशन हमारा आसानी से कंप्लीट हो सकता है क्विक मैच में। तो आप क्विक मैच में खेला करो स्क्वाड या फिर डुओ। तो गाइस स्क्वाड या डुओ खेलो, अगर कोई भी एक बंदा है सिंगल या फिर बॉट है तो उसको नॉक करने के बाद अपने ग्रेनेड से मार दो, क्योंकि अगर आप रियल प्लेयर को मारने जाओगे तो वो भाग जाएगा। फिर किसी भी घर में है तो आप रश करने की जगह उनके ऊपर मतलब ग्रेनेड फेंक दो तो शायद मर जाता है, लेकिन उससे कम चांस रहेगा उसके मरने का। तो नॉक करके मार सकते हो तो बहुत ही ईजिली मर जाएगा वो। तो गाइस हमारा नेक्स्ट मिशन की तरफ आता है। तो हमारा नेक्स्ट मिशन है फिनिश इन टॉप थ्री टाइम्स इन स्क्वाड इन क्लासिक मोड। मतलब आपको क्लासिक मोड में खेलना है और क्लासिक मोड में स्क्वाड में खेलना है। स्क्वाड में खेलने के बाद आपको आना है टॉप थ्री पे, और वो भी 3 बार। तो टॉप थ्री में आपको 3 बार आना है, ये मिशन है, तो इसीलिए लिखा है टॉप 3 3 टाइम्स। तो गाइस हमारा नेक्स्ट मिशन है हमारा कंप्लीट 15 मैच विथ फ्रेंड। तो आपको फ्रेंड लिस्ट में से किसी बंदे को ऐड कर लेना है, रैंडम नहीं खेलना है, फ्रेंड लिस्ट में से किसी भी को ऐड करने के बाद उसके साथ क्लासिक मैच या फिर कोई भी मैच खेलनी है, बस जो भी खेल सकते हो क्विक मैच खेलो। तो क्विक मैच ईजी रहेगा, जैसे कि आपको कुछ मिशन दिखा देता हूँ, क्विक मैच ही बहुत सारे होने वाले हैं, लास्ट में बताता हूँ मैं आपको। और यूज़ द ब्रेकडाउन इमोट इन मिलिट्री बेस एरिया। तो ये जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर बार हमारा कोई ना कोई इमोट करने का हमारा मिशन आता ही है। तो ये जो हमारा इमोट है वो 40 RP पे है। तो यहाँ पे लिखा है क्लियरली, तो 40 RP पे हम जाते हैं और ये सभी को मिला है। तो ये इमोट आपको करना है मिलिट्री बेस एरिया में। मिलिट्री बेस एरिया को कौन नहीं जानता यार, सबको पता है कि मिलिट्री बेस एरिया कहाँ है, और आपको भी पता ही होगा। तो आपको वहाँ पर जाने के बाद ब्रेकडाउन इमोट करना है, साथ ही किल 20 enemies विथ UMP। तो ये भी हमारा क्विक मैच में हो जाएगा, आपको जाना आइटम है वन, आपको UMP तो मिल ही जाएगी, और उससे आपको 20 बंदे को टपका डालना है। और हमारा नेक्स्ट मिशन है हमारा गेट अ होलोग्राफिक साइन इन 20 matches। तो ये जो है हमारा होलोग्राफिक जो हमारा स्कोप होता है, तो वो स्कोप आपको 20 बार लेना है। तो वो भी आप क्विक मैच में ही कर सकते हो, 20 मैचेस खेलो और 20 मैचेस में आप ग्रेनेड से भी मार दो, UMP से भी मार दो, और साथ ही ये जो स्कोप है उसको भी ले लो। अगर आपके पास टीममेट के पास है तो उससे आप ले सकते हो, आपका मिशन बड़ी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट मिशन है गेट 4x स्कोप इन 10 matches इन क्लासिक मोड। तो गाइस क्लासिक मोड में ही खेलना है हमें, और 10 बार खेलना है, मतलब 10 बार नहीं, आप जितनी बार खेलो लेकिन 10 बार में आपके पास 4x स्कोप आना चाहिए। तो 4x स्कोप को आपको लेना है 10 मैचेस में। और नेक्स्ट मिशन है हमारा किल 10 enemies विथ MK47। तो ये गाइस घटिया गन है एकदम, मतलब जिन लोगों को चलाना आती है अच्छी लगती है उनके लिए सही है, लेकिन रिकॉयल बहुत कूट कूट के भरा है इसके अंदर। तो ये गन ज़्यादातर कोई यूज़ नहीं करता, लेकिन अभी आपको करनी पड़ेगी यूज़, और इससे आपको मारने पड़ेंगे बंदे, और 10 बंदे ही मारने गए। वैसे आप कर सकते हो बड़ी आसानी से, अगर आप सारे मिशन समझ जाते हो तो आप बड़ी आसानी से इनको इजी इससे कंप्लीट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा था कि आपको जो है किल 3 enemies विद ग्रेनेड, तो आपको क्विक मैच में जाना है और क्विक मैच में फ्रेंड के साथ खेलना है, और ग्रेनेड से भी मार देना है नॉक करने के बाद, साथ ही आपको UMP से भी मार देना है, और जो होलोग्राफिक साइट है वो भी आपको कलेक्ट करता रहना। हर बार नहीं मिलेगा, लेकिन जितनी बार हो सके आपका सारा का सारा क्विक मैच में बड़ी आसानी से कंप्लीट हो जाएगी सारी मैचेस। तो इसीलिए क्विक मैच कभी भी इस पे टाइम नहीं आता, ये क्विक मैच हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो इस पे खेलो। तो अभी मैं सारा कुछ कलेक्ट करता हूँ और देखता हूँ मेरी RP कितनी होती है। तो अभी मैंने ये कलेक्ट कंप्लीट नहीं किया, तो एक तो मेरा इधर हो जाएगा लेफ्ट साइड को, साथ ही इसको कलेक्ट कंप्लीट
कंप्लीट तो ऑलरेडी है, तो मेरे जो दो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे मिल चुके हैं और 30 UC। अब अगर एक और RP मेरी अप होती है तो मुझे मिल जाएगी ये हेलमेट की स्किन। और बस ये जो मेरे सारे मिशन इनकम्प्लीट है, लेकिन मैं आज में ही सारे के सारे मिशन कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा और हो भी जाएंगे, एक दो बच जाएंगे शायद। तो बस यही थे मिशन। अगर आपको अभी तक कोई भी मिशन समझ में ना आया तो मुझे नीचे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं जरूर से जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। तो गाइस बस फिलहाल के वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, रखा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर।